So, hello everyone. Myself Shivankar Mehta from IIT Dhanbad. And myself Ashutosh Kumar from IIT Patna. आप सभी का स्वागत करते हैं आपके चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सभी तक क्वालिटी एजुकेशन और कंटेंट प्रोवाइड करने की होती है। जैसा कि आपके जेईई मेन के चारों अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो अभी से लगभग एक महीने का टाइम बाकी है जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए। तो इस एक महीने को किस तरह से यूटिलाइज करना है, आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, इस एक महीना में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि तुम्हें अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, ऐसा ही सोचना है कि जेईई का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग आगे तैयारी अपनी कंटिन्यू करेंगे जे एडवांस के, क्योंकि तुम्हारा फ्लो अभी तक बना आ रहा है जेईई मेंस तक, तो इसे बरकरार रखना है जे एडवांस तक। और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया होगा जेईई मेंस के लिए, तो अब इन 30 दिन में क्या करना है कि इन 30 दिन में जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जो मीडियम टॉपिक्स है उन्हें भी ट्राई करना और स्ट्रॉन्ग के लिए, और जो वीक टॉपिक्स है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उनको ऐसा करना है क्योंकि फॉर्मुले देखने थोड़ा सा उन्हें समझ लेना है, मेन ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे, क्योंकि जे एडवांस में 60 या 54 क्वेश्चंस रहते हैं और ईच पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर 20 में तुम 8 या 10 क्वेश्चन बना लोगे तो तुम्हारा 30 से 35 नंबर आ जाएगा, और मैं अगर टोटल नंबर कर दूं तो तुम्हारा लगभग 200 नंबर आ जाएगा, तो इतने नंबर पे तुम्हारा काफी ज्यादा रैंक आ जाता है, तुम 2000-3000 के अंदर आ सकते हो। तो तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए वही होना चाहिए कि जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि अगर उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पक्का से पक्का वो एग्जाम में हमसे बनी जाए। इस पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि हमें 20 क्वेश्चन बनाना है, अगर तुम 20 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में फंस गए तो जो 10 क्वेश्चन है वो भी तुम सही से नहीं कर पाओगे, तो फोकस इसी पे रखना है कि अच्छी तरह पढ़ना है, टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इस एक महीने में, तो हम अब बात करेंगे कि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी तुम्हें कितनी रखनी है, साथ ही साथ टेस्ट पेपर देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है। तो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तुम्हें 8 रखनी है इस एक महीने में, यानी पर वीक तुम्हें 2 टेस्ट देने हैं। अब एक टेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक टेस्ट का मतलब हुआ 2 पेपर। तुम्हें ट्राई करना है कि एडवांस के टाइम के अकॉर्डिंग तुम पेपर दो, यानी कि 9 से 12 में पहला पेपर और 2:30 से 5:30 में दूसरा पेपर। टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना जरूरी है, कहां तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उन सिली मिस्टेक्स को एग्जाम में अवॉइड करना है। साथ ही अगर स्ट्रॉन्ग चैप्टर से कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं टेस्ट में, तो तुम्हें क्या करना है, टेस्ट पेपर के बाद उसको खुद ट्राई करना है। अगर फिर भी नहीं बने तो तुम टीचर से पूछ सकते हो उसको, या फिर हमने टेलीग्राम ग्रुप लिंक बनाया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो तुम वहां हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हम इन 20 दिनों में ज्यादा एक्टिव रहेंगे और तुम जैसे ही क्वेश्चन भेजोगे हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी तुम्हें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कॉमन पॉइंट है यही है कि हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं करना है कि सॉल्यूशन देख लिया और हो गया, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है, उस पर जूझना है क्वेश्चन को लेकर। फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खास करके लास्ट के 10 ईयर्स को सॉल्व करना है, और जो मेन फोकस होना चाहिए वो लास्ट के 4 to 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट के 4 से 5 सालों में, अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को करना है, उनके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसे अच्छी तरह से समझ लेना है और उसे इंप्लीमेंट करना है अदर क्वेश्चन, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, और हाँ मैथ की अगर बुक की बात करो तो मैथ में तुम एडवांस प्रॉब्लम मैथमेटिक्स को रिफर कर सकते हो, बायोलॉजी पब्लिकेशन काफी अच्छी बुक मानी जाती है, और प्रीवियस ईयर तुम्हें करने ही करने, सारे प्रीवियस ईयर तुम्हें कर लेने। अब केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक काफी समझने वाला सब्जेक्ट है, काफी सारे इसमें मैकेनिज्म होते हैं, तो सबसे पहले जो तुम्हारा काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तुम्हें अपने जो टीचर के नोट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसमें जो जो रिएक्शन है उनको अच्छी तरह से समझ लेना है, कॉपी को इतनी बार पढ़ लेना है कि तुम्हें एक एक चीज उसमें से याद होना है, जब तक याद ना हो जाए तब तक कॉपी को पढ़ना हमें छोड़ना नहीं है, उसके बाद तुम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर तुम क्वेश्चन लगा सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक पे तुम्हें टीचर के नोट्स तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ जो तुम्हारा खासा ध्यान होना चाहिए वो एनसीईआरटी पे होना चाहिए, एनसीईआरटी तुम्हें ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों के लिए पढ़ना है, लेकिन जो खास तुम्हें पढ़ना है इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ना है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी से काफी सारे सवाल रहते हैं, घुमा फिरा के उसी से रहते हैं सवाल, तो इस चीज पे ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं कि वो टीचर के नोट्स पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि एडवांस में तो एनसीईआरटी
पूछा ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से काफी सारी चीजें पूछी जाती है। फिजिकल में तुम्हें टीचर के नोट्स पढ़ने अच्छी तरह से, फिजिकल फिजिक्स और मैथ की तरह ही है, इसमें वही कॉन्सेप्ट रहते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है और एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। बुक अगर रिफर करना है तो एनओसी रिफर कर सकते हो, लेवल टू लेवल थ्री को बना सकते हो, तो ये सब चीजें करने से तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी जो भी चैप्टर्स है उन पे जो पकड़ है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। आई होप कि हमने अब तक जो भी बातें बताई तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब इस एक महीने का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, फ्लो को टूटने नहीं देना है एडवांस तक, तुम्हें एक एक मिनट का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है ताकि एग्जाम के बाद ये पछतावा ना रह जाए कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।